देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में सरकारें जुटी हैं। वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता पर सरकार का जोर है। इन सबके बीच भारत बायोटेक की ओर से खुशखबरी आई है। भारत बायोटेक ने कहा है कि वो कोवैक्सीन का उत्पाद करीब 2 करोड़ डोज बढ़ाएगी, साथ ही बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। भारत बायोटेक की ओर से कहा गया है कि वो वैक्सीन का उत्पादन करीब 2 करोड़ डोज बढ़ाएगी। भारत बायोटेक अभी कोवैक्सीन की 3.5 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वो कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएंगे। भारत बायोटेक कंपनी की ओर से कहा गया है कि उनकी योजना कोवैक्सीन का उत्पादन 5.5 करोड़ डोज तक पहुंचाने का है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के शिकार होने की आशंकाओं के बीच कंपनी की ओर से इसे लेकर भी खुशखबरी आई है। भारत बायोटेक की ओर से कहा गया है, बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो गया। भारत बायोटेक कंपनी बच्चों पर परीक्षण का डेटा अगले हफ्ते ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI के पास सबमिट करेगी। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही फाइजर कंपनी ने भी दावा किया था कि उनकी वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों के लिए प्रभावी है। फाइजर कंपनी ने 5 से 11 साल उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो जाने की जानकारी दी। बता दें कि भारत में अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है।